तेरे हत्याकांड की घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा आरोपी के खिलाफ फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर जमकर तोड़फोड़ व हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से दो परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह हत्या की योजना बनाए घोष परिवार के दो सदस्य उनके घर आए और लोहे की रॉड से एक के बाद एक तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। सिंगूर के नंदा बाजार इलाके में संपत्ति विवाद को केंद्र कर एक ही परिवार के चार लोगों की तलवार से काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। सोमवार की सुबह चंडीतल्ला में सिंगूर हत्याकांड घटना की पुनरावृत्ति हुई है। अब चंडीतल्ला में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेदर्दी से हत्या करने का मामला सामने आया है। चंडीतल्ला थाना अंतर्गत नेटी इलाका सोमवार की सुबह उस वक्त दहल उठा जब संपत्ति विवाद को केंद्र कर एक ही परिवार के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पति पत्नी और बेटी की हत्या उसके रिश्तेदार ने कर डाली। मृतकों की पहचान संजय घोष, मिताली घोष और शिल्पा घोष के तौर पर हुई। हत्या का आरोप मृतक के रिश्तेदार चित्रकांत घोष और तपन घोष पर लगा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके वारदात पर पहुंची चंडीतल्ला थाने की पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्याकांड में शामिल अभियुक्त तपन घोष को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य एक अभियुक्त श्रीकांत घोष फरार बताया जा रहा है। জমি নিয়ে জমি জায়গা নিয়ে বিবাদ অনেকদিন ধরেই চলছে। তা পঞ্চায়েতকে থানা এরকম ডায়েরি করেছে অনেকবার। তারপরে আজকে সকালবেলা কি নিয়ে ঘটনা ঘটেছে আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, জানি না। তো আমাদের বাড়ির আশপাশে আমার এরা বলতে পারবে ঘটনাটা কি ঘটেছে। আপনি কি দেখলেন বা শুনলেন কি? আমি বলছি এই যে মেরেছে ওর হচ্ছে ভাইজি। আচ্ছা, আমরা ছিলাম পঞ্চালনতলা। ও গিয়ে বলছে বাপি তুমি তাড়াতাড়ি চলো, আমার ছোট কাকা ওই মানে সঞ্জয় কাকাদের সবাইকে মেরে ফেলেছে, তুমি তাড়াতাড়ি চলো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসি, এসে দেখলাম তিনজনই রক্তাক্ত অবস্থা একদম পড়ে আছে। পুলিশ এসেছে এখন? পুলিশ তো এসেছে, পুলিশ এসেছে, এসে নিয়ে গেছে বডি।